अच्छी तरह जानते हो, घर में तुम्हारी दो बहनों की शादी है, कितनी अफरा तफरी है घर में। शादी का घर है तो इसका हर किसी मतलब नहीं कि मेरी बीवी को नजरअंदाज किया जाए। सारा दिन तो आप बिस्तर पर बैठ के सिर्फ आराम करती हैं या तो भाई के कान भरती हैं, और कुछ नहीं आता आपको। अजीब रो रही है। जो भी मेरी जिंदगी से जुड़ेगा अपनी जिंदगी हार जाएगा। वाला तुम फिर वही बातें कर रही हो। तुम्हें वासित याद नहीं है क्या? वासित एक हादसा था और वो किसी के साथ भी हो सकता है। वो हादसा नहीं था आंसर, वो हादसा नहीं था, वो सब कुछ जानबूझकर हुआ था। तुम्हें खतरा हो सकता है नहीं। वो चाचा आपका मसला नहीं, मेरी मर्जी। वाला, प्लीज मत रोए, प्लीज मत रोए, मुझे तकलीफ हो रही है। क्यों रो रही हैं आप? क्या हुआ, क्या है? आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं क्या हुआ। मैं हूं ना, मेरे होते आपको परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, प्लीज मत रो, प्लीज। अरे ये क्या कर रही है सारे जनाब? जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्या कर लेना चाहिए था? ये घर झड़वाना चाहिए था। पड़ा हुआ पानी छिड़क रही हूँ ताकि सारा घर आफियत और अमान में रहे। घर भारी हो गया है। अरे खालाजान, कोई भारी भारी नहीं हुआ है, गलत फहमी है आपकी। कोई गलत फहमी नहीं है मेरी, हकीकत से आंखें चुराने से मुसीबत टल नहीं जाती बेटा। इस घर में पता नहीं क्या क्या, तुम लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही है बच्चे को भेजकर कैसे भूल कर बैठे हो तुम लोग। ये लीजिए चाय। अरे भैया आप ही समझाइए इन्हें, पता नहीं क्या क्या पढ़कर फूंक रही हैं। तो फूंक रही हैं तो फूंकने देना, आपको क्या है, इनके दिल की तसल्ली हो जाएगी। अरे वो तो ये भी कह रही हैं कि हम अपनी बच्ची को भेजकर भूल गए। ठीक ही तो कह रही है, क्या गलत है? इतने दिनों में हम कितनी बार गए हैं माला से मिलने। आपने तो माला को वहां भेजकर ऐसे लगा जैसे अपना फर्ज पूरा कर लिया है, और मुझे तो लगता है माला भी वहां खुश है, वो हमसे दूर ही रहना चाह रही थी। लेकिन हम अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकते, पता नहीं दिल पर कितने पत्थर रखकर वो हमसे दूर गई। मैं जानता हूं मेरी बच्ची खुश नहीं है। तो मैं कौन सा खुश हूं? मैं मां हूं उसकी, दिल दुखता है मेरा जब मैं सोचती हूं कि मेरी बच्ची इतनी दूर अपना सामान लेकर खुशी खुशी चली गई, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब भी एनी को आवाज देती हूं तो मुझे माला की याद आती है। और अगर वो वहां खुश ना हो, सिर्फ दिखावा कर रही हो, तो फिर हम चलते हैं ना, जाके उसे ले आते हैं।
तो फिर ठीक है, हम आज उसे लेने चलते हैं। ठीक है। शुक्र है तुम यहाँ पे खड़ी हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढता रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम आज एक दिन के लिए अपने घर चली जाओ। क्यों? देखो मैं अपनी हिफाजत तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तैश में आके तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए आज के लिए बस घर चली जाओ। चाचा जान खतरा मुझे नहीं, खतरा आपको है। वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन वो आपको कुछ भी कर सकता है। देखो बेटा मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं, मैं खुद को संभाल लूंगा। चाचा जान आपको खतरे से गुस्से नहीं है, बल्कि सेदिन से भी है। क्या मतलब? मैंने ना कल उसे अपनी आंखों से देखा है, वो कोई बैठ के ताबूत खोल रही थी और अपने हाथ बुलंद करके पता नहीं क्या क्या पढ़ रही थी। चाचा जान इस सपने वो भी मिली हुई है, वो अपनी जगह कुछ अमल कर रही है और आप अपनी जगह, मुझे डर लगता है कुछ होना चाहिए। हाँ शक तो मुझे पहले से था, लेकिन अच्छा हुआ देख भी लिया और अपने कानों से सुन भी लिया। बस तुम घर जाने की तैयारी करो, कल मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा, ठीक है? ये तुमने बहुत अच्छा किया है, शादी के दिन वैसे भी नजदीक आ गए हैं, तो ऐसे में बच्ची अगर घर पे रहेगी तो मुनासिब रहेगा। खाला अम्मी सच पूछें तो मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। ये क्यों फिकर करती हो? अस्सलाम वालेकुम। खाला अम्मी कैसी हैं भाभी? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। वैसे खाला अम्मी आप तो मुझे यहाँ आके भूल ही गई, और भाभी आप भी ना खाला अम्मी को अपने पास रोक लिया, ये भी नहीं सोचा कि मैं वहाँ बिल्कुल अकेली हो गई होंगी। अरे भाई लड़के की शादी की तैयारी में कौन सा टाइम लगता है, हाथ में पैसे हो बाजार जाओ तैयारी मुकम्मल। ये तो आपने सच कहा। अरे ये एनी नजर नहीं आ रही। एनी दवा खा के सो रही है। दवा खा के सोई है? क्या हुआ मेरी बेटी को? वो जरा उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो दवा देके उसे सुला दिया है। वैसे भी माला के बाद सारी जिम्मेदारी उस पर जो पड़ गई है ना। खाला अम्मी इसने पहले कभी घर का काम किया जो नहीं था। अच्छा अभी तो तुम हंस रही हो ना, लेकिन बाद में तुम सर पकड़ के रोगी, बातें ना बना बना के दिखाना है। खाला अम्मी मैं अपनी बेटी बना के जा रही हूँ, बहू नहीं लेके जा रही यहाँ से। अच्छा भाभी ये सिद्रा नजर नहीं आ रही, पहले भी मैं आई तो वो मुझे नजर नहीं आई और आज भी नहीं आ रही, खैरियत? ये मैंने चाय पी नहीं थी, अभी आप पिए, आपके नसीब में थी।
वक्त लड़कियां सुकून से वक्त गुजारती हैं और मैं यासिर से ये उम्मीद नहीं थी। आलिया पता नहीं हमने कौन सा गुनाह किया है कि औलाद के दुख देखने नसीब हो रहे हैं। चलो छोड़ो इन बातों। खाला मैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, छोड़ दो बस यासिर को उसके हाल पे। उसे जाना होगा तो वो जरूर जाएगा भाभी, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं भी यही समझा रही हूँ कि अच्छा है कि वो बिना झगड़े चला जाए ताकि कम से कम बाद में मिलता तो रहे। खाला मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ भाभी, अभी भी वक्त है। अगर ये दोनों अलग-अलग घर लेना चाहते हैं ना तो लेने दें, वरना झगड़ा और बढ़ेगा। एक वक्त आएगा आप अपने बेटे की शक्ल को तरसेंगे, ये याद रखिएगा। पता नहीं आज की औलाद को हो क्या क्या है। अम्मी मैं बता रही हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो आप भी उसमें बराबर की शरीक होंगी। हर वक्त फजूल बातें सोचती रहती हो सित्रा। मेरे बच्चे, अच्छा अच्छा सोचा करो, कमरे से बाहर निकलो, थोड़ी ताजा हवा लो, फ्रेश हो जाओगी, मूड ठीक हो जाएगा। मुझे अब उनमें से किसी की भी सूरत नहीं देखूंगी। मैंने सोच लिया है कि मुझे अपना घर चाहिए बस। बेटा देखो अभी हालात थोड़े मुश्किल है लेकिन वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे सब। मुझे कोई बात नहीं करनी। जी अब्बू। बेटा क्या अपने अब्बू की बात भी नहीं मानोगी? बेटा हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं, तुमने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? वो किसी को मेरे पास नहीं देख सकता, मैं क्या बताऊं आपको? बस बेटा मैंने और तुम्हारी अम्मी ने ये सोचा है कि हम तुम्हें आज लेने आ जाएं। बेटा मैं तुम्हें पहले इसलिए बता रहा हूँ कि तुम अपनी अम्मी के सामने, मेरा मतलब तुम समझ रही हो ना बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात मानोगी और वापस आ जाओगी। जी शाबाश, जीती रहो, अल्लाह हाफिज। मैं जानती तुम यही हो, मुझे मालूम है तुम जो भी हो मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। सब अब बस हो गया है, खत्म करो इस गेम को। मैंने कहा सामने आओ, तुम सामने क्यों नहीं आते हो? लेकिन चाचा जान तो घर पर ही नहीं है। यानी मैं चला जाऊं? जी लेकिन इस वक्त आप एक काम करें, आप रुके मैं जरा चाचा जान से फोन करके पूछती हूँ। वक्त का ही तो मसला है, मैं उनसे इजाजत ले चुका हूँ, अब अगर
आप भी इजाजत दे दें तो मैं बिल्कुल बेसर सा इंसान हूं, सिर्फ अपने मकसद पर फोकस रखता हूं और मेरा मकसद आप जी आपकी इजाजत का मुंतजर है। तुम्हारी बात पहले ही मान लेता तो बेहतर था, हमने उसे वक्त ही नहीं दिया। अगर हम उसे वक्त देते तो कुछ देर में वो समझ जाती, चाचा के पास जाके तो वो मजीद अकेली हो गई है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, दुनिया की कोई भी रुकावट मेरी उसके बीच नहीं आ सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी को लेने आया था तो सोचा तुम्हें भी देख लूं। तुम ऐसे खामोश क्यों बैठी हो? मैं कब से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बेशर्म होके मामी से पूछना पड़ा कि तुम कहां, फिर जाके उन्होंने बताया कि तुम यहां कमरे में। हाँ बस ऐसे ही बैठी हुई थी। वालों से मिलने गया था मैं। उसकी हालत तो यहां से भी बदतर हो गई है, अभी तक उन्हीं अनजान ख्यालों में खोई रहती है, किसी से बहुत डर गई है वो। मुझे ऐसे मत देखो, मैं सच कह रहा हूं, वो किसी से इतना डर गई है कि बार बार कह रही थी कि अगर कोई उसके करीब आएगा तो वो उसे मार देगा। तुम्हारी बात पहले ही मान लेता तो बेहतर था, हमने उसे वक्त ही नहीं दिया। अगर हम उसे वक्त देते तो कुछ देर में वो समझ जाती, चाचा के पास जाके तो वो मजीद अकेली हो गई है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मामा मामी उसे लेने जा रहे हैं, उसे जाके ले आएंगे, ठीक हो जाएगी वो। मैं उसे बचपन से चाहता हूँ, वो सिर्फ मेरी है, वो मेरे लिए वजह जिंदगी है।
मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। दुनिया की कोई भी रुकावट मेरे उसके बीच नहीं आ सकती। अगर कोई मेरे उसके बीच आएगा तो मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन अपने और उसके दरमियान किसी को नहीं आने दूंगा। के लिए साया होते भी नहीं दिख सकता। माला कमरे में नहीं है। देखना वो कैसे पछताएगा। बीवियां तो बतेरी मिल जाती हैं, लेकिन खून के रिश्ते अनमोल होते हैं। उनका कोई बदल नहीं है। कुछ दिन गुजरेंगे ना तो देखना बावले को कैसे बहनों की याद सताएगी। लेकिन उस वक्त तक तुम बहनों अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो चुके होगे कि क्या पता भाई के लिए वक्त ही ना निकाल सको। भाई मेरी बात तो सुने। रुकी वो लाइब्रेरी में भी नहीं है, घबराहट हो रही है मुझे। कहीं वो अपना काम तो नहीं दिखा गया। सर जी अम्मी,
ये पैसे तुम्हारे मामू ने दिए हैं कपड़ों के लिए। और अम्मी आपने ले लिए? अरे बेटा मैंने बहुत मना किया उन लोगों को, लेकिन आखिर रस्म है। अम्मी आप ये पैसे उन्हें वापस कर दें, मैं भी इतना गया गुजरा नहीं हूँ, अपनी शादी के कपड़े अपने पैसों से ना खरीद सकते, और वैसे भी माला को लेके बहुत टेंशन में आजकल, फिर ये फजूल के लवाजमात। ठीक है कल जब तुम ऑफिस जाओगे उन्हें खुद वापस कर देना, मेरा देना तो उन्हें बहुत माजूब लगेगा। चलो ठीक है मैं कल ही उन्हें वापस कर दूंगा। अरे माजिद भैया तुम? सॉरी मैंने शायद चौंका दिया आपको। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। चाचा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माला कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ था, तुम्हारी तबीयत ठीक थी? नहीं 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 ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो चाचा जान हम माला को लेने आए हैं। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो खुद फोन करने वाला था कि भाई अगर आप लोग नहीं आ सकते तो मैं रात को खुद छोड़ जाऊं माला को। मैं असल में एक दो दिन जरा ज्यादा बिजी हूं तो माला इस तरह अपने घर पे रहे। ये तो तजरान बहुत अच्छी बात हो गई। हाँ माला जेबन वापस आ गई? नहीं तजरान अभी तक नहीं आई, वो शायद कहीं गई हुई है। हाँ अच्छा खैर आप लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा चाय रहने दो, बस तुम जल्दी से अपनी पैकिंग करो अब घर चलेंगे। और सुनाइए आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई माजिद भैया शादी की तैयारियां कैसी चल रही? बस सजदान जैसा आपने फरमाया था उसी तरह से सब काम हो रहा है इंशाल्लाह, और अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब ठीक होगा इंशाल्लाह। रहने दो मैं कर लूंगा। मैं कह रही हूँ ना कि मैं कर देती हूँ, ना मुझे दे। मुझे अपने काम करने आते हैं।
पे बेटा, बस कर दो ना अब रोना धोना, बहुत रो लिया तुमने, बहुत रो लिया, बस चुप कर दो। लाला अम्मी, भाई को क्या हो गया, वो क्यों इस तरह का बिहेव कर रहे मेरे साथ? बेटा होता है ऐसा जिंदगी में, हो जाता है ऐसे। खाला अम्मी, क्या भाई भी माला की तरह, क्या अब हम सब एक साथ नहीं रह सकते? मुझे तो लगा था कि भाई का गुस्सा वक्ती है, भाभी के कहने पे मुझसे चिढ़ गए। खाला अम्मी, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है सब कुछ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, भाई को पता भी कि अब मैं। बेटा तुम देखना वो कैसे पछताएगा, बीवियां तो बतेरी मिल जाती हैं, लेकिन खून के रिश्ते अनमोल होते हैं, उनका कोई बदल नहीं है। कुछ दिन गुजरेंगे ना तो देखना बावले को कैसे बहनों की याद सताएगी, लेकिन उस वक्त तक तुम दोनों अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो चुके होगे कि क्या पता भाई के लिए वक्त ही ना निकाल सको। है ऐसा ही होता है ना जिंदगी में। कोई बात नहीं बेटा, तुम भी अब ऐसी बातों को दिल पे मत लगाओ, है? जाके जरा कमरे का जायजा लो, पता है तुम्हें लोग आने वाले हैं, ठीक है? हाँ, जरा जायजा ले लो कमरे का। आलमी, मैं भाई को कभी भी माफ नहीं करूंगी, उन्हें पता भी कि उनकी कितनी जरूरत थी मुझे, उन्होंने भी अकेला छोड़ दिया। चाचा जान, आप भी हमारे साथ चलते, यहाँ अकेले रहकर आप क्या करेंगे? वो एक जरूरी काम है हमारे, वो हो जाएगा तो बस मैं खुद ही आ जाऊंगा। लेकिन चाचा जान, मुझे आपकी फिक्र रहेगी। अरे जीती रहो जरा, जीती रहो। ठीक है चाचा जान, जब आपके आने का मूड हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, आप आओ, गाड़ी तक छोड़ दो तुम, चल आओ। दे आज तो घर में माशाल्लाह ऐसे लग रहा है, रौनक लगी हुई है। अब तो खुश हैं आप? खुश? बहुत खुश हूँ मैं आज। मेरे तीनों बच्चे मेरे पास हैं। आज मुझे अपना घर लग रहा है। वही रौनक, वही हंसना, वही खेलना, सब हो रहा है। मगर बस चंद दिन के लिए। जी जानती हूँ, बेटियां तो होती पराया धन है, एक ना एक दिन तो उन्होंने अपने घर जाना ही होता है।
मेरी तो दुआ है कि मेरी बच्ची अपने घरों में खुश रहे, आबाद रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अब आप याद से सुहेल को बुलाकर पैसे दे दीजिएगा। मैंने आलिया को लिफाफा दे दिया था। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, कम से कम हमारे कंधों से एक जिम्मेदारी तो उतरी। मैंने सोचा आप कहाँ हम बाजारों के धक्के खाते फिरेंगे, और यासिर को भी सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, वो बहनों के लिए कपड़े फिर कैसे लेकर आएगा। आप फिक्र ना कीजिए, माला आ गई है, सब संभाल लेगी। अरे मैं सोच रही थी कि सुहेल की अम्मी माला से मिलना चाह रही थी, तो उन्हें फोन करके बुला लूं, मिलवा दूं माला से, क्या ख्याल है आपका? ठीक कह रही। नाराज हूँ। कैसे शोर की आवाज आ रही है? रौनक लगी हुई है घर में माशाल्लाह से, ऐसा सन्नाटा हो गया था। नहीं, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, तुम अभी मुझसे बात नहीं करोगी? हाँ तो अपनी मर्जी से आई हो ना, मेरे बुलाने पे तो नहीं आई। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि मैं कितनी अकेली हो गई थी? तुम्हें सिर्फ अपने दुख की पड़ी, मेरी तकलीफ का किसी को कोई एहसास नहीं है। क्या हुआ है ने? बताओ क्या बात है? आला, मैं बहुत अकेली हो गई थी तुम्हारे पास, अब मत जाना मुझे छोड़ के। नहीं, और तुम भी तो मुझे छोड़ के जा रही हो आंसर के साथ। अंसर को मैंने बोल दिया, भाई मेरा जब दिल चाहेगा ना मैं अपनी बहन के पास भाग के आ जाऊंगी, और अगर अंसर ने कुछ कहा ना तो फिर तुम ले। बिल्कुल बच्ची हो तो। मैं बच्ची हूँ या नानी वो सब छोड़ो, तुम अब चाचा जान के घर नहीं जाओ। माला इतने कम दिन रह गए, और वैसे भी माला तुम, मैंने तुम जानती मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें सब मालूम, लेकिन माला वो लोग अच्छे लोग नहीं है, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, तुम अपने लिए स्टैंड लो, मैं और अंसर। प्लीज माला, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। देखो मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा खैर, ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तेरे दिन कैसे रहे तुम्हारे?